नहीं सर, वो सिस्टम थोड़ा अपडेट लेने लगा था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। चलिए, सो कल के सेशन में हमने बात की थी कि ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या किया जाता है जी, इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हम जल्दी ही करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूंगा, आज थ्योरेटिकल क्लास है, बहुत छोटी क्लास होने वाली है, लेकिन थ्योरेटिकल है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि चीज क्या है। ठीक है सर। तो एसईओ जो वर्ड है ना, एसईओ, इसको हम ब्रेक कर देते हैं तीन पार्ट में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन वर्ड का मतलब मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, जीरो से हीरो बनना, अगर डिक्शनरी मतलब देखें तो। और इसको अगर और ज्यादा डीप समझे डिजिटल मार्केटिंग के तरीके से, तो गूगल का जो पेज है जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है एड्स, दूसरा है लोकल मैप, तीसरा है ऑर्गेनिक रैंकिंग। ऑर्गेनिक रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे किसी भी कीवर्ड पे पहुंचने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे उसका नाम है एसईओ। अब एसईओ के दो पार्ट है, एक पार्ट है ऑन पेज, दूसरा पार्ट है ऑफ पेज। कल हमने ऑन पेज की बात की थी। ऑन पेज के अंदर वो सारा किया हुआ काम जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, जैसे प्लगइन इंस्टॉल करके उसका टाइटल चेंज किया, उसका मेटा चेंज किया, उसका कंटेंट लिखा, उसकी इमेजेस को अच्छा किया, ये सारी चीजें ऑन पेज के अंदर कवर होगी। इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है आपका ऑफ पेज। ऑफ पेज के अंदर आप फेसबुक आईडी बनाएंगे, आप ट्विटर पे अकाउंट बनाएंगे, यूट्यूब पे बनाएंगे, क्वोरा पे अकाउंट बनाएंगे। मतलब ऑफ पेज का मतलब सिंपल है, लिंक्स बनाना, बैकलिंक्स बनाना, दूसरी किसी बड़ी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट के ऊपर आया हुआ ट्रैफिक कहलाता है बैकलिंक। जैसे आपने अपनी वेबसाइट पे एक पोस्ट लिखा, या आपका कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपने किसी बड़ी वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया, जैसे फेसबुक, ट्विटर, या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपने कहीं डाल दिया, या फिर किसी फेसबुक के कमेंट में आपने डाल दिया। अब यूजर मान लीजिए पढ़ रहा है और अचानक से उसने आपके उस लिंक पे क्लिक किया और ट्रैफिक आ गया आपकी वेबसाइट पे, तो गूगल के सर्च कंसोल से तो हमने इसको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई किया हुआ है, तो गूगल के पास हमारी वेबसाइट की हर वो नॉलेज है जो हमारी वेबसाइट पे एक्टिविटी हो रही है। तो गूगल को समझ में आता है कि यार देखो इतनी बड़ी वेबसाइट से ट्रैफिक इसकी वेबसाइट पे आ रहा है, दैट मींस कुछ तो दम होगा। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऑफ पेज तभी पॉसिबल है जब आपका ऑन पेज पूरा हो। क्योंकि अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन ही नहीं होगा तो ऑन पेज होगा ही नहीं, और ऑफ पेज फिर होगा क्या, देखने में ही खराब लगेगा, आएगा कौन, है ना। तो इसके लिए जरूरी है पहले ऑन पेज करना, उसके बाद हम ऑफ पेज करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको कल एक चीज बताई थी और उसमें कहा कि हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को कैसे ठीक करते हैं जी सर, ये वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट पे चलता हूँ। वेबसाइट की स्पीड को चेक करने के लिए हमेशा एक वेबसाइट हम यूज करेंगे, जीटी मैट्रिक्स। ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं और सारे जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी डिजाइनर्स हैं, वो इसी वेबसाइट को यूज करते हैं, जीटी मैट्रिक्स को। ये जीटी मैट्रिक्स आपकी वेबसाइट के ऊपर जो स्पीड है, किस वजह से इंक्रीज हो रही है, किस वजह से डिक्रीज हो रही है, उसके बारे में बताता है। अभी हम जिस वेबसाइट की बात कर रहे थे उस पर ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। हम इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालते हैं, एंड टेस्ट योर वेबसाइट, इस पे हमने क्लिक किया। ये देखिए अभी टेस्ट कर रहा है इस वेबसाइट को जी सर। इसमें लॉगिन जैसे हो चुका हूँ, डैशबोर्ड जब तक हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, ये फेचिंग कर रहा है वेबसाइट को और ये हमें पूरा डेटा दिखाएगा कि भैया ये क्यों स्पीड कम या ज्यादा है इसकी, हर एक चीज दिखाएगा हमें जी। इसके साथ साथ रोशन जी ने कल एक मेरे से पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि सर वेबसाइट में एक ऑल टैग लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, उसका एसईओ अच्छा है या नहीं है। मैनुअली तो हम देख ही सकते, लेकिन मैनुअली तो बड़ी मेहनत है कोड में ढूंढ ढूंढ के हर इमेज पर राइट क्लिक करके देखना। जी सर, क्या कोई ऐसा ऑटोमेटिक टूल है जिससे ये काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए इसको सी ग्रेड मिल रहा है, जबकि ये ग्रेड बी तक अच्छा माना जाता है, ए बी सी बहुत छोटा ग्रेड है। यहाँ देखिए इसने दिखा रखा है कि भैया ये क्यों है, रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पांस टाइम, ये सारी चीजें एक्सेस दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ परफॉर्मेंस में जाएंगे, आपको सारी चीजें दिखेंगी, वाटरफॉल कौन सी चीज कितना टाइम लगा रही है, देखिए सीएसएस टाइम लोडिंग में कितना टाइम लगा रहा है इसका, ये सारी चीजें। इस पे इतना कोड में अंदर नहीं जाए क्योंकि आपको इससे मतलब नहीं है, आप बस इस ग्रेड को ठीक करेंगे। इसको ठीक करने के लिए हम डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पे एक प्लगइन को ऐड करेंगे हम, जिसका नाम पहले एक प्लगइन को ऐड करेंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है सर। और यहाँ पे हम W3 कैशे,
W3CA आप टाइप करेंगे आपके सामने W3 कैशियर। ये देखिए W3 टोटल कैश है, ये एक प्लगइन है, इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करते हैं। ओके सर, W3 टोटल कैश है। इंस्टॉलेशन फेल्ड आ रहा है सर, कुछ इश्यू होगा सर इस वेबसाइट में। सर वेबसाइट में इशू है या प्लगइन में सर? सर नहीं, ये कभी कभी वेबसाइट और प्लगइन का दोनों का इशू होता है, ये हो सकता है प्लगइन बहुत पुराना हो। ओके सर, और इस वजह से ये हम देख लेते हैं एक बार, इससे भी काम हो सकता है। A2 ऑप्टिमाइज WP, इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं अगर इसमें भी कुछ इशू होगा। चलिए ये हो गया, ये प्लगइन का इशू था कुछ जी। तो इस तरीके की बहुत सारे प्लगइन्स आपको मिलेंगे, तो आपको इनमें से कोई प्लगइन को यूज करना है। जैसे ये A2 ऑप्टिमाइज हो गया, अब इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब एक बार रीटेस्ट करते हैं इसको और देखते हैं GT मैट्रिक्स क्या दिखाता है। हमारा 66% C आया था जी सर। वैसे W3 टोटल कैशे आप इंस्टॉल करेंगे, वो सबसे बेस्ट प्लगइन है इस वेबसाइट पे। हो सकता है वो इंस्टॉल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो वर्डप्रेस वर्जन वहां दिया हुआ है और जो वर्डप्रेस वर्जन यूज कर रहा है वो प्लगइन, वो शायद उसमें डिफरेंस होगा, तभी उसमें कुछ एरर आ रहा था। वरना वेबसाइट का होस्टिंग का एरर होता तो दोनों में एरर दिखाता वो। देखिए 67% हुआ, 1% बढ़ा है यहाँ पे। 67 ही था, 67 ही था। हाँ सर, चलिए कोई बात नहीं। अब तो ये प्लगइन मैंने भी पहली बार इसको इंस्टॉल किया है और देखते हैं ये प्लगइन हमारे लिए कितना मजेदार काम करता है। A2 ऑप्टिमाइज पे चलते हैं और यहां पर ऑप्टिमाइजेशन स्टेटस दिखा रहा है, थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग, सम फीचर्स रिक्वायर एडिशनल प्लगइन, वॉक यू थ्रू। ओके, वार्निंग्स क्या क्या है, रीसेंट पोस्ट लिमिट है, एडवांस ऑप्टिमाइजेशन है। ओके चलिए देखते हैं ये क्या करता है, बिगिन इंस्टॉलेशन करते हैं। ये प्लगइन उतना मेरे को है ना ठीक नहीं लग रहा क्योंकि ये कुछ दूसरे प्लगइन्स को इंस्टॉल करा रहा है। सर, रेटिंग भी शायद सही नहीं था सर। हाँ, ये मतलब इन थोड़ा सा है ना, मेरे को वो अच्छी वाली फीलिंग नहीं दे रहा है। तो ये कुछ ज्यादा स्लोनेस करेगा, तो इसलिए हम इस प्लगइन को हटा देते हैं जी। देखते हैं वो दोबारा वही वाला प्लगइन इंस्टॉल करके, हटाने के लिए डीएक्टिवेट करेंगे जी सर। डीएक्टिवेट, इसको डिलीट कर देंगे। हम कोशिश करते हैं नया प्लगइन दोबारा लेने के लिए। प्रॉब्लम आ रही है इस प्लगइन के अंदर। सर ये वाला कर सकते हैं? हाँ, ये फास्टेस्ट, यस हो गया ये। सर देखो प्लगइन का हमेशा रिव्यूज देखना जरूरी है जी सर। 1 मिलियन प्लस 1 प्लस मिलियन है सर, इसको इंस्टॉल किया। चलिए देखते हैं सर ये मतलब क्या करता है। WP फास्टेस्ट कैश इधर आ गया हमारे पास। चलिए इससे हमारा काम शायद हो जाए। ये देखिए इसने बहुत सारी चीजें बताई। मिनीफाई देखिए, हमने जब एचटीएमएल पढ़ा था तो अगर आपको याद होगा हमने HTML में कुछ इस तरीके से कोड किया था। HTML, और मैंने आपको बताया था चाहे आप इसको ऐसे लिखें या फिर आप इसका स्पेस हटा दें, बात एक ही रहती है, याद होगा आपको जी सर, है ना। तो इस वाइट स्पेस को नहीं रख के अगर हम सारे व्हाइट स्पेस को हटा दें और कोड्स को रहने दें, उस टर्म को हम कहते हैं मिनिफिकेशन।
तो मैं मिनीफाई एचटीएमएल कर देता हूँ, इससे क्या होगा, व्हाइट स्पेस खत्म हो जाएगा, तो पेज का साइज थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि मशीन को तो रीड करना ही पड़ रहा है ना। बिल्कुल सर, तो वो हो गया। सिस्टम कैशे है, इस पे इनेबल कर देते हैं। इसके बाद बहुत सारे डू नॉट शो कैशे वर्जन ऑन द डेस्कटॉप मोबाइल, और क्या क्या चीजें हैं। चलिए रिड्यूस ब्राउजिंग कैशे कर देते हैं इस पे, एंड सबमिट करके देखते हैं जी। देखते हैं अभी क्या फर्क, कितना फर्क पड़ा है। लीड कैशे यहाँ पर ये है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये प्रीमियम वर्जन के लिए कह रहा है, ठीक है अभी इसी सेटिंग पे रहते हैं। यहाँ पर और क्या चीज हम देख सकते हैं, मिनीफाई सीएसएस इस पे जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसका भी स्पेस हटा देगा जी सर, है ना। कंबाइंड सीएसएस इसको भी कर देते हैं, मिनीफाई जेएस तो ऑटोमेटिकली है, कंबाइंड जेएस कर देते हैं, इसको कर देते हैं। सर जेएस कौन सी फाइल होती है? सर जेएस जावास्क्रिप्ट फाइल होती है। अच्छा जावास्क्रिप्ट, तो ये इसे कंबाइंड जेएस और कंबाइंड सीएसएस से हमने क्या किया ना, जैसे तीन चार सीएसएस और जेएस फाइल है तो सबको कंबाइन करके एक ही बार में सर्वर से रिक्वेस्ट कर ले, बार बार ना करनी पड़े जी सर। अब देखते हैं सर कितना आया इस पे। चलिए अभी स्पीड देखिए आपको बढ़ गई, भी आ गया सर, बहुत ग्रीन में आ गया। दैट मींस अब हमारा काम चल सकता है, अब यहां से हम एसईओ स्टार्ट कर सकते हैं। इजी क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। और भी ज्यादा रील्स करना है और चीजों के बारे में पढ़िए कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, किस तरह की चीजें हैं। यूज अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सीडीएन, एस्टिमेट रेंडर ब्लॉकेज, यूज पैसिव, मतलब ये सारी चीजें आपके काम के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। यस सर, बी से अगर ए लाना चाहते हैं तो प्रीलोडर बोल रहा है होम पेज के लिए। अच्छा, ये प्रीलोडर हटाने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं सारी चीजों से, देखते हैं करके। डू नॉट शो द कैश्ड वर्जन टू लॉग्ड इन यूजर, ठीक है। मोबाइल पे कर दिया, न्यू पोस्ट क्लियर ऑल कैशे कर दिया, पोस्ट क्लियर और कैशे कर दिया। मतलब आपको इस पे ना हिट एंड ट्रायल खेलना है। ओके सर, सारी चीजों को देख लेते हैं हम करके एक बार, और ज्यादा कितना अच्छा निकल के आ पाता है। अपडेट किया, अगर मान लीजिए इसकी स्पीड कम या ज्यादा हुई तो दोबारा हम उसी ऑप्शन पे जाएंगे जिस ऑप्शन पे थे हम, ठीक है सर। क्योंकि अगर आप एक कोडर हैं तो बहुत अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं कि वो चीज क्या है, लेकिन आप एक नॉन कोडर हैं तो हिट एंड ट्रायल चलाना है आपको जी सर। इतना ही था, 84 था सर। यस सर, कम हो गया शायद, कम हो गया 84 था ना, तो आपको यही चीज करनी है। लॉजिक क्लियर हो गया अभी? यस सर, क्लियर। डिलीट कैशे में है, क्लियर ऑल कैशे है, डिलीट कैशे वेरिफिकेशन ये नहीं चाहिए हमें। इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है, ये सिर्फ प्रीमियम वर्जन में है। ये आपका टोटल कैशे आप लोग अपने उसमें करेंगे ना इंस्टॉल, तो आपके लिए काम कर जाएगा। सर बी से ए ग्रेड में लाने के लिए प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा हमें? नहीं ऐसा नहीं है सर, जो W3 से टोटल कैशे मैंने आपको बताया ना, हाँ जी सर, वो टोटल कैशे में ये ऑप्शन है, लेकिन यहाँ इस वेबसाइट में मैं इसको ऐड नहीं कर पा रहा, जी सर कुछ इशू आ रहा है। आप लोग अपनी वेबसाइट में सर वो टोटल कैशे इंस्टॉल करेंगे, उससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे मैंने आपको बताया ना, आप बी में भी आ गए तो ग्रीन मार्क में आप आ गए, आप निश्चिंत हो सकते हैं। ओके सर, ठीक है ना। यहाँ देखिए ना, इसमें लोड टाइम कितना मिल रहा है, इसको
131 मिलीसेकंड्स बहुत अच्छा है, एक सेकंड से भी कम में जल्दी लोड हो जा रही है जी सर, है ना। अगर आपकी वेबसाइट 7 से 8 सेकंड के अंदर लोड हो रही है गुड, उससे ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जैसे Amazon इतनी बड़ी वेबसाइट है ना जी सर, तो बिल्कुल ए में होना चाहिए 100% पे। बिल्कुल सर, है ना। तो देख लेते हैं कि क्या इधर क्या चल रहा है। चलिए देखिए, इसकी डी है मतलब ये तो खत्म ही है। तो आप यहां से आप समझिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड या सारी चीजें हैं, जैसे हम हाथ धो के इसी पड़ गए सर ए नहीं हो रहा, ए नहीं हो रहा, ए नहीं हो रहा, भूल जाओ भैया ए नहीं हो रहा। तो जी सर, लॉजिक क्लियर है आपको? जी सर, अमेजॉन पे सर एसईओ बहुत अच्छा है। जी अजीत जी कुछ पूछ रहे हैं सर, अमेजॉन तो ईएफ पे होगा तो भी लोग उसका वेट करेंगे सर। यस यस, यही मैं कह रहा हूँ कि आप SBI का देखोगे तो पता नहीं कौन सा ग्रेड मिल जाएगा, एक्सपेंसिव ना मिल जाए। तो इसलिए इस पे नहीं आना। और दूसरी चीज, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे SEO ऑप्टिमाइजर करके एक वेबसाइट है जी सर, यहाँ पे आपको SEO ऑप्टिमाइजर है, बहुत प्यारी वेबसाइट है, मैं हमेशा इसका यूज करता हूँ और बहुत सालों से इसका यूज करता आ रहा हूं मैं। जब भी मेरे को किसी क्लाइंट के लिए रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इनकी वेबसाइट लेते हैं और इनकी वेबसाइट की रिपोर्टिंग निकालते हैं। यहाँ पे गए, इधर वेबसाइट डाली, ऑडिट कुछ नहीं करना, इस वेबसाइट पे आइए, ये आपको कस्टमर के लिए रिपोर्ट निकाल के दे देगा और इसी रिपोर्ट का प्रिंट आउट लीजिए, कस्टमर के सामने बैठ जाइए। ओके, जो जो चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें अभी देखिएगा, इसमें A to Z चीज आपको बता दी जाएगी कि यहाँ क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसी वेबसाइट है, क्या है, ऑन पेज SEO का काम किया गया है, नहीं किया गया है। यहाँ देखिए, इसने इम्प्रूवमेंट बता दिया, ये कह रहा है कि SEO में B- है, यूजिबिलिटी में A है, परफॉर्मेंस में B- है, सोशल में मतलब सोशल बुक मार्किंग है ही नहीं इसकी, सोशल लिंक्स ही लगा रखे, और सिक्योरिटी में F है। तो यहाँ पे देखिए SEO में B- दिया, क्यों दिया है, टाइटल टैग दिया हुआ है, देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन टैग नहीं दिया हुआ, देख रहे, पकड़ लिया इसने जी सर, है ना। अब अगर नॉर्मली हम देखते बिना बात की मेहनत करते रहते हो, हर पेज में जा जाकर ढूंढ रहे होते। यहाँ पे देखिए बॉडी के अंदर H1 एक है, बिल्कुल सही है, H1 एक ही होना चाहिए। इसके बाद बाकी सारी हेडिंग्स नहीं है, होनी चाहिए हेडिंग्स। यहाँ देखिए कीवर्ड कंसिस्टेंसी, ये दिखा रहा है कि भैया जो टाइटल के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, ये हिमांशु वर्ड हर जगह इसको मिल रहा है, टाइटल में, टैग में, हेडिंग में, पेज फ्रीक्वेंसी में, हर जगह मिल रहा है। लेकिन ये बाकी सब कहां से आ गए, ये सब क्या है, इसका मतलब कीवर्ड इंप्रॉपर डले हुए हैं इसमें। ओके सर, नीचे देखिए फ्रेज, ये सारी चीजें, अमाउंट ऑफ कंटेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत कम है। इमेज ऑल टैब्स दिए गए हैं, इमेज ऑल टैग्स, अगर किसी वेबसाइट में नहीं होगा तो वो इमेज का लिंक के साथ दिखा देगा जी सर। गूगल एनालिटिक्स ऐड नहीं की गई, देख रहे हैं इजी टूल है बहुत ज्यादा। यस सर, whybusiness.com पे चलते हैं और उनका देखते हैं क्या सीन है जी। इसकी भी स्पीड चेक करो ना सर्वाइव बिजनेस दोबारा बताइए जी जी, सर्वाइवबिजनेस.com की भी स्पीड चेक करो ना सर, क्या आ रही है ABCD। अच्छा स्पीड का, हाँ सर ठीक है सर। ओ ए प्लस यू पेज इज वेरी गुड, वो धीरे धीरे आएगा सर। अच्छा कैसा आएगा, पकड़े को हलाल करने से पहले कुछ दिखाना प्लस से स्टार्ट करता है।
चलिए बी माइनस दिया गया इसको, ये देखिए इनके सारे पेजेस यहाँ देख रहे हैं आप आ गए जी सर। एसईओ इन्होंने भी डिस्क्रिप्शन टैग नहीं डाला हुआ है, देख रहे हैं सर। H1 एक है ठीक है बिल्कुल। यहाँ देखिए कीवर्ड कंसिस्टेंसी, जो इनका मेन कीवर्ड है न्यूट्रिशन, वो हर जगह कहीं पे है ही नहीं, देख रहे हैं मतलब गूगल को ये कीवर्ड समझ आ रहे हैं इस वेबसाइट से। ओके इसमें तो हमारे नाम का कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है सर। अमाउंट ऑफ कंटेंट ठीक है, इमेज ऑल्टरनेटिव टैग्स इन्होंने लगा रखे हैं ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। तो इस तरीके से आप स्पीड के लिए आप वहां पे भी देख लेते हैं स्पीड कितनी आ रही है क्या आ रही है, डीटी मैट्रिक्स पे चलते हैं। टेस्ट आप दोनों अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कुछ भूल गए तो नेक्स्ट वाले सेशन में क्यों नहीं आ रहे आप लोग 9 बजे? हाँ 9 बजे वाले सेशन में मतलब क्यों नहीं आते आप लोग, वहां तो बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट हो रहा है। यस सर आ जाएंगे सर आज। क्या वैसे शेड्यूल चेंज हो गया ना तो कई बार कभी बाहर हो जाते हैं कभी इधर हो जाते हैं। तो इनका ई आ रहा है जो अपने आप में अच्छा नहीं है। और ये ई क्यों आ रहा है यहाँ से आपको दिख जाएगा, देखिए वाटरफॉल में अगर हम जाएंगे तो पता लग जाएगा किसकी वजह से ई आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम किसके लिए लग रहा है, यहाँ पे कुछ जेएस हैं कुछ इमेजेस होंगी, ये देखिए इमेजेस टाइम लग रहा है सबसे ज्यादा टाइम ये इमेज लगा रही है इनकी। ओके रोशन मेहरा ये कौन सी इमेज है देखिए देखते हैं, ये वाली इमेज सबसे ज्यादा टाइम लगा रही है। इसी तरीके से रिड्यूस कर रहा है आपको, समझ रहे हैं अब क्या करना है। जी सर जी सर वैसे ही ज्यादा टाइम इतना कोई कंपैरेटिवली नहीं लगा रही, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए किसी सिनारियों में आप इसको ई से ए तक नहीं ला पा रहे तो घबराइए मत, आप बाकी चीजों पे काम कीजिए। ओके सर लेकिन अगर आप इसको बी तक ला पाए बहुत अच्छे तरीके से तो अच्छा है, वेल एंड गुड है, फायदा मिलेगा। चलिए तो यही दोनों टूल मैं आज के सेशन में आपको बता रहा था, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा और बीच में उसको स्किप नहीं करना चाहता, तोड़ना नहीं चाहता हूं। सो अभी आप लोग इसी पे कीजिएगा, एक टास्क आप लोगों को दिया गया था एक कीवर्ड लेके उसका टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना और कीवर्ड टाइप निकालना। yes, sir, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज उस टास्क को पूरा कीजिए, तभी आप लोगों को कीवर्ड कैप्चर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। मैंने कर लिया था सर। कर लिया, दिखाइए सर स्क्रीन शेयर करें। नहीं मैंने वो डायरी में लिखा है सर, मतलब सर उसको नोटपैड में लिखिए और नेक्स्ट सेशन में फिर स्क्रीन पे दिखाइए। अच्छा लिखिए सर, अब कंप्यूटर वाली दुनिया आ गई है। ओके सर ठीक है ठीक है ठीक है सर। ये तो स्कूल वाले बच्चों की तरह आपने रीजन दे दिया, घर पे कॉपी घर पे छूट गई सर। चलिए सर इसी तरह मुस्कुराते रहिए और कल हम दोबारा इस टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर द सेशन गुड नाइट जी सर। 9 बजे सर क्लास है? हाँ 9 बजे आप आ सकते हैं सर दोबारा। आज मैं HTML करवा रहा हूँ वहाँ पे, तो आप लोग आ सकते हैं जरूर। ओके सर एक क्वेश्चन पूछना था। गुड नाइट।